क्रिकेट में नो बॉल फेंकने वाले खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार कई बार होना पड़ा है। कई अहम मैचों में नो बॉल ने टीमों को नुकसान पहुंचाया है। अतिरिक्त रन बनाने के अलावा अब इसमें अगली गेंद फ्री हिट के रूप में मिलती है, जिस पर बल्लेबाज बड़ा शॉट मार कर रन बनाने के लिए जाता है। नो बॉल डालने वाले गेंदबाजों पर अगली गेंद पर ज्यादा दबाव बढ़ जाता है और वो अच्छे चल रहे स्पेल में भी भटक जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नो बॉल फुटबॉल के मैच में होने वाली आत्मघाती गोल की तरह है। जीत रही टीम को हार भी इससे ही मिल सकती है। आखिरी ओवर्स में इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा रहती है। गेंदबाज खुद को नियंत्रण में रखते हुए ही गेंद डालना चाहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हैं जिनका पांव गेंदबाजी के दौरान अंपायर के पास मौजूद लाइन से पार गया ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी नो बॉल नहीं डाली और ये आश्चर्य करने वाली बात ही होगी। पूरे करियर में गेंदबाजों से कोई नो बॉल नहीं होती, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जो इंटरनेशनल में आने के बाद कई साल खेल कर चले गए मगर नो बॉल नहीं डाली। उन खिलाड़ियों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। इयान बॉथम, इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को महानतम ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने शिद्दत से क्रिकेट खेलते हुए दर्शकों का भी भरपूर मनोरंजन किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 102 मैच खेले। वनडे में बॉथम ने 116 मैच खेले। कुल 218 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद भी उन्होंने कभी नो बॉल नहीं डाली। ये काफी हैरान करने वाली बात कही जा सकती है। इमरान खान, महान ऑलराउंडर्स में से एक रहे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने भी टीम को 1992 विश्व कप जिताने में मदद की थी। पाकिस्तान के लिए 88 टेस्ट और 175 वनडे मैचों में शिरकत करने वाले इमरान खान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर में कभी नो बॉल नहीं डाली। उनके करियर में वर्ल्ड कप जीत के अलावा ये बड़ी उपलब्धि रही। कपिल देव, भारत को विश्व विजेता बनाने वाले पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने भी जीवन में कभी नो बॉल नहीं डाली। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 434 विकेट हैं। 131 टेस्ट और 225 वनडे खेलने वाले कपिल देव ने कभी नो बॉल नहीं डाली। इससे बल्लेबाजी में उनके नियंत्रण का पता लगाया जा सकता है। कई उपलब्धियों के साथ कपिल की ये भी एक उपलब्धि है। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप अपलोड बटन पर जाकर हमें डोनेट कर सकती हैं, ताकि आगे और अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें।